नमस्कार दोस्तों, पहली क्लास में हमने जो पढ़ा था ट्रायंगल से रिलेटेड, इसमें दूसरा इसका पार्ट बना रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए इसमें एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो ट्रायंगल के तीन वीडियो है, जिसमें पहला वीडियो में हमने ट्रायंगल के बारे में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और उसके एरिया वगैरह जो भी निकालने का जो फार्मूला हमने दिया था पेरीमीटर फाइंड करने का। अब इसमें ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ जो थेस थ्योरम है और एट्थ में कुछ चीज़ें हैं और मैथ में अंतर्गत और परिगत वृत्त के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक वाले इसको वीडियो को अच्छे से देखें और इसको नोट करते जाएं, उसको रिविजन करते जाएं। उसका नोटिफिकेशन उनका टेंटेटिव एग्जाम का सितंबर में है, ठीक है। और सितंबर में टेंटेटिव एग्जाम का कैलेंडर आ गया है, पीवी की वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कल के आगे पिछला वीडियो आप देखिएगा, इसके बाद इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अंतःवृत्त की, इसकी बात करेंगे। अंतःवृत्त क्या है, ठीक है। इन सर्कल क्या है। कभी भी कोई भी ट्रायंगल, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है, और इनकी भुजाओं को टच करते हुए जो निकले वृत्त बने, ठीक है। ऐसे बनाए हैं, बिना स्केल के बनाए हैं, डिवाइडर प्रोटेक्टर से आप बनाएंगे तो आपका डायग्राम अच्छा बनेगा, ठीक है। तो अगर इनकी भुजाओं को टच करते हुए, मतलब इनकी साइड को टच करता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इनकी भुजाओं को टच करते हुए जो सर्कल बनता है उसको हम अंतःवृत्त कहते हैं। अंतःवृत्त सर्कल कहते हैं, इन सर्कल, यानी ये आपकी यहाँ पर इसका सेंटर होगा। कोई भी सर्कल है तो उसका सेंटर तो होता ही, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आर है, यानी आपको इसकी रेडियस, ये आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है तो ये हर जगह से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तीनों जगह से क्या होगी, बराबर होगी, ठीक। अब इसके बाद इसका जो एरिया होगा अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, तो आर इक्वल टू होगा डेल अपॉन एस। अभी डेल क्या है और एस क्या है, ठीक है। डेल मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, अपॉन इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी रेडियस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अपॉन एस क्या है, एस है इसकी, एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये एस मैंने बताया है। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो इसकी रेडियस क्या होगी, आर इक्वल टू डेल अपॉन एस, ठीक है। डेल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये हो गई अंतःवृत्त की बात। अब अगर परिगत वृत्त बने, ठीक है, परिगत वृत्त, तो परिगत वृत्त क्या बनेगा, सर्कमसर्किट। अगर इनके, ये देखिए परिगत वृत्त, और इनके वर्टेक्स को, यानी इनके कॉर्नर को टच करते हुए कोई ट्रायंगल बने, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिगत वृत्त कहते हैं। और ये इसकी क्या हो गई, रेडियस, कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर में लिखे थे, इसको कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटल आर, यानी आपका परिगत वृत्त जो होगा, यानी इसके वर्टेक्स को, वर्टेक्स मतलब इनके कोणों को, जहाँ पर ये दोनों साइड मिलती हैं, अगर इनको टच करते हुए कोई सर्कल खींचा जाता है तो ये इसका क्या कहलाता है, परिगत वृत्त कहलाता है। अब इसकी रेडियस क्या होगी, आर इक्वल टू ए बी सी। अब ए बी सी क्या है, ए इंटू बी इंटू सी क्या है, ए अगर इसकी ये साइड हो गई इस ट्रायंगल की, बी क्या हो गई दूसरी साइड हो गई,
सी क्या हो गई, तीसरी साइड हो गई। तो ए बी सी यानी फर्स्ट साइड इंटू सेकंड साइड इंटू थर्ड साइड इक्वल टू क्या होगा अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा फोर और एरिया ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एरिया ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। जितना भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे हीरोन फार्मूला से निकालेंगे या जिससे भी, ठीक है। अब अगर दोनों में संभाव त्रिभुज, ठीक है, दोनों में अगर ये आपका संभाव त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो दोनों की जो रेडियस होती है वो सेम होती है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको बताता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अंतर्वृत्त क्या है, अंतर्वृत्त जो इनकी साइड को टच करते हुए, ठीक है, इनकी साइड को टच करते हुए जो सर्कल बनाया जाता है, ट्रायंगल की साइड को टच करते हुए जो सर्कल बनाया जाता है वो अंतर्वृत्त होता है। परिगत वृत्त क्या है, जो इनके वर्टेक्स को टच करते हुए यानी इनके कॉर्नर को टच करते हुए यानी जहाँ पे ये साइड निकलती है कोने को टच करते हुए जो सर्कल बनाया जाता है वो परिगत वृत्त कहलाता है। ठीक है, इसकी रेडियस ए बी सी एफ ऑन फोर डेल, फोर डेल डेल मीन्स होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद चल, अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्रायंगल से रिलेटेड तो पहले उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं किसी भी तरह से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को एक से दो बार देखना है, एक से दो बार देखेंगे और कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको नोट करते जाइए, बनाते जाइए, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी बात हम करते हैं, अगर त्रिभुज दोनों में अगर संभाव संभाव अगर त्रिभुज है संभाव त्रिभुज है अगर, ठीक है, तब इसका इसकी जो रेडियस होगी r इक्वल टू या r इक्वल टू होगा a अपान टू रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, a अपान टू रूट थ्री, इसकी दोनों की जो रेडियस होगी वो a अपान टू रूट थ्री। जब मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन फार्मूलों का यूज होगा और इसको आपको देखना है। अब इसके बाद मध्यिकाएं, मध्यिका क्या होती है, देखिए दो चीज़ें होती हैं ट्रायंगल, एक होती है मीडियन और एक होती है एम्पिट्यूड। ठीक है, तो पहले देखिए मीडियन मध्यिका, ठीक है, मध्यिका क्या है, ठीक है, मध्यिका कोई भी त्रिभुज अगर खींचा जाए, जैसे ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये बढ़िया ट्रायंगल बना लिए और इसके यहाँ से एक लाइन खींची जाती है, यहाँ से अगर ये लाइन खींची गई और इस साइड को दो बराबर भागों में का डिवाइड करते हैं, मतलब ये अगर ट्रायंगल हो गया ए बी और सी हो गया और ये डी हो गया, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए चार है तो इसको दो दो भागों में डिवाइड कर दे और यहाँ के एंगल भी हो वो बराबर हो जाए तो ये इसकी मध्यिका कहलाती है। ठीक है, ठीक है कि नहीं, तो ये इसकी मध्यिका कहलाती है, यानी मध्यिका जो है ट्रायंगल की अपोजिट साइड को, जहाँ जिस वर्टेक्स के से ये बनाई जाती है उसके अपोजिट जो साइड होती है उसके सामने की जो भुजा होती है उसको बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, और एक होता है एम्पीट्यूड, अब मान लीजिए ये ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल बन गया तो इसकी मध्यिका कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, लगभग ऐसे बनेगी। ठीक, तो यहाँ पे ये बर्टेस से के जो एंगल बनेंगे वो इक्वल हो जाएंगे और ये साइड जो होगी वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्टेक्स। अब इसके बाद मीडियन हो गया, इसके बाद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होती है, एल्टीट्यूड क्या है, इसकी ऊंचाई, इसकी क्या है ऊंचाई, ऊंचाई अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल आप बनाए और इस पर सीधी एक लाइन खींची जाए यानी ये इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी 90 डिग्री के एंगल क्रिएट करे, जरूरी नहीं है कि ये इसको बराबर भागों में डिवाइड करे, ठीक है, लेकिन
यहाँ से इस पर ये परपेंडिकुलर होना इसके लिए मस्ट है, यानी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होना जरूरी है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और इसमें एरिया अगर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी एरिया निकाल सकते हैं। और दूसरा साइड की, जैसे ये अगर नहीं फाइंड है या ये फाइंड नहीं करना है, या तो ये फाइंड करना है, फिर फाइंड करना है, पिछले वीडियो में ये हाइट निकालने के लिए मैंने बताया है, तो इस हाइट को निकालने के लिए भी एक फार्मूला है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये यहाँ से हाइट निकल आएगी, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो ये हो जाएगा बेस आधार, और ये हो जाएगी ऊंचाई। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल है आपके पास ये, ठीक, और यहां से इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेगी, ये इस ट्रायंगल को हम क्या नाम देते हैं, ए बी सी देते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए आपकी 8 सेंटीमीटर, ये पूरी साइड बी सी, और ये आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये एल्टीट्यूड जिसमें रखी होगी, जैसे ये डस्टर लेते हैं, डस्टर में ये रखा होगा, तो ये इसका बेस होगा और ये इसकी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 × बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, बेस मतलब क्या हुआ आधार, और हाइट इक्वल टू क्या हुआ ऊंचाई, ठीक है। ये हो गई ऊंचाई 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, कितना होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये 1/2 गुणे आधार कितना है 8, और ऊंचाई कितनी है 3, तो ये हो गया 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी सेंटीमीटर में हो सेंटीमीटर में, और मीटर में एरिया का लिमिट निकालना हो तो हमेशा मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट में आता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब त्रिभुज की कई सारी मतिकाएँ जब होती हैं, ठीक है, जैसे ये आपकी ये एक ट्रायंगल बन गया, इसको थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, ए बी सी टॉपिक बहुत सारे, ठीक है। ये जिस बिंदु पर मिलते हैं इसकी तीनों मध्यिकाएं, जैसे हमने यहाँ से ऐसे मध्यिका खींची, फिर यहाँ से ऐसे मध्यिका खींची, ठीक है, फिर यहाँ से हमने ऐसी मध्यिका खींची, ठीक है। तो ये तीनों किस पर मिलते हैं, ये सेंट्रोइड, ठीक है। अब ये तीनों मध्यिकाएं जो मान लीजिए डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है, तो इसको हमेशा दो अनुपाते एक में डिवाइड करते हैं, कितने में डिवाइड करेंगे, 2/1, यानी आपको अगर हम ये कहें तीनों मध्यिकाएं जहाँ पर इसका संगमन बिंदु होगा, ठीक है, वहाँ पर एक गुरुत्व के केंद्र इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, 1 होगी, यानी टोटल इसकी डिस्टेंस मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, जस्ट उसका हाफ, यानी 2:1 का रेशियो इसमें होता है, यानी आपका यहाँ पे अगर जी हो गया तो ए जी ये डी हो गया अपान ए जी अपान जी डी इक्वल टू होगा बी जी अपॉन जी ई इक्वल, फिर क्या हो जाएगी सी जी अपॉन जी एफ इक्वल टू हो जाएगा, ये सब कितने में है 2/1, यानी इनका जो रेशियो होगा वो 2/1, रेशियो समझ में आ रहा है, हैं, अगर ये 2 है तो ये 1 होगी, ठीक है, अगर ये 200 है तो ये 100 होगी, ठीक।
अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर करते हैं। हो गया। अब बात करते हैं हेल्थ सेवन की, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं जो हमारे सामने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड आते हैं, और अभी आज तो नहीं, कल तो, कल वीडियो बनेगा इसका क्वाड्रिलेटरल का, फिर तीनों को मिला करके, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल दोनों को मिला करके जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे वो सब मैं कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहें, और अब इसके बात करते हैं। इसकी कुछ ट्रिक है कि अगर दो त्रिभुज की भुजाएं हैं, परिमितियों का अनुपात एक्स वाई है, अगर दो त्रिभुज, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यदि दो त्रिभुजों में उनके परिमितियों का अनुपात x अनुपात y है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा x स्क्वायर क्षेत्रफलों, ठीक है ना। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे इफ, यहाँ पे दोनों की पेरीमीटर, ठीक है, इफ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ पेरीमीटर, इफ रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल इज एक्स रेशियो वाई, देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर होगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि दो त्रिभुज जिनके परिमाप का अनुपात क्या है? 3:5 है, यानी उनके पेरीमीटर का जो रेशियो है 3:5 है ना। तो उनके एरिया का, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अब आपको चार ऑप्शन दे दिया, अनुपात क्या होगा, ये हो गया आपका क्या होगा। अब इसको जल्दी से आपको बता दूँ, ठीक है। दोनों के पेरीमीटर का जो रेशियो दिया है 3:5 दिया, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफल, और आपको चार ऑप्शन दे दिए, 4/5 दे दिया, दूसरा दे दिया आपको 9/25 दे दिया, तीसरा दे दिया आपको 16/25 दे दिया, चौथा दे दिया आपको 25/9 दे दिया, ठीक है। अब इसमें सही आपको टिक करना है, ठीक। तो इसमें सही क्या होगा? ये क्यों होगा? क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको ध्यान रखना है कि ऐसे होगा, ठीक है। अब इसी को अगर हम उल्टा करें, अगर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो, एक्स और वाई, यहाँ पर हम इसी को क्या करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसको लिख लिया है। तो यहाँ पर परिमितियों की जगह हम क्या रखते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स रेशियो वाई है, तो उनके परिमाप का अनुपात, यानी हम उसको अपोजिट कर दें, उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, एक्स रूट एक्स रेशियो वाई, दोनों में रूट लगता है, रूट एक्स रेशियो वाई होता है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक
लिखा है, तभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो त्रिभुज जिनके परिमाप का अनुपात, अब परिमाप की जगह क्या लिख लीजिए इसको, क्षेत्रफल लिख लीजिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, 9:25 है, 9:25 है, तो उनके परिधियों का, परिमाप का अनुपात क्या होगा, परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो परिमाप का अनुपात क्या होगा, इसी में चार ऑप्शन दे दिया, नहीं, दो त्रिभुज जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है, तो इसका स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है, तो